आज सदियों आज यहाँ आप लोगों के बीच एक बहुत खास जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने यहाँ पर आया हूँ। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद जो रुझान हम लोग के सामने आए हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि अगली सरकार लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बनने जा रही है। जितने प्रत्याशी हम लोग के पहले चरण में चुनाव लड़े सब भारी संख्या से जीतते जा रहे हैं और साथ ही में एक बात और भी स्पष्ट हो गई है कि 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात भी स्पष्ट है। साथियों अगले 5 दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 दिन निर्धारित करेंगे हम लोग के आने वाले 50 साल का भविष्य। हम लोगों ने काल गवाए जिसका नतीजा हुआ कि पिछले 30 साल में हालात बद से बदतर होते गए। ऐसे नेताओं के ऐसे नेतृत्व के हाथ में हम लोगों ने बिहार की कमान सौंपी जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा करने को मजबूर है, जिनकी वजह से आज भी बिहार में रोजगार नहीं मिलता। 73 साल के बाद भी कहा जाता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। कब तक पिछड़ा रहेगा इसकी जवाबदेही तय करने का ये समय, उन नेताओं की जिम्मेदारी तय करने का समय है जिनकी वजह से आज तक बिहार से युवाओं का पलायन नहीं रुका। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कभी कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए, तो फिर क्यों सब हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। प्रदेश में शिक्षा के हालात देखिए, मुख्यमंत्री की जो युवा विरोधी सोच है, मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो उसके बाद सवाल करेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल करता है और मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है। उसी तरीके से चाहते नहीं कि युवाओं के हाथ में डिग्री आए। आप लोग बताइए कितने साल में डिग्री मिलती है हम लोग को यहाँ पर, कितना? 5 साल। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल में। 3 साल की डिग्री 5-5 साल, 6-6 साल। क्यों? हाथ में डिग्री आ गई। अगर डिग्री आ गई तो उसके बाद हम लोग रोजगार मांगेंगे। कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास रोजगार? क्या बोले थे मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना नहीं खोल सकता? क्यों? क्योंकि बिहार में समुन्द्र का किनारा नहीं है। तो भैया समुन्द्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहां पर जाकर अगर बिहारी काम कर सकता है तो बिहार में जवाब दे मुख्यमंत्री कि कारखाना क्यों नहीं खोल सकता। नीयत नहीं है साथियों उन लोगों की, चाहते नहीं कि युवा पढ़ लिख जाए, चाहते नहीं है युवा पढ़ लिख कर रोजगार करे, खुद सक्षम बने। मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सिर्फ इतना कि बिहार पिछड़ा रहे, ताकि मुख्यमंत्री अपनी जाति की राजनीति करते रहे। साथियों जब प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश आते हैं तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी से? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि जाकर देख लीजिए बिहार के किसी भी गांव में, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? नहीं बनी? सच्ची में नहीं बनी? पर बोले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कि बन गई? झूठ बोले मुख्यमंत्री, झूठ बोले। अच्छा चलिए हर घर में नल का जल तो आ गया ना, नल का जल भी नहीं आया, चाची चलाया नहीं आया, नहीं आया, फिर झूठ बोले मुख्यमंत्री, फिर से झूठ बोले। अच्छा चलिए कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना,
भ्रष्टाचार भी हुआ, साथ विषय में हुआ, किसने किया? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। तो क्या करना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? इतना पाइपलाइन लगा, सब खराब हो गया। रसूखदारों के घर पर होम डिलीवरी तक होती है। जवाब दे मुख्यमंत्री कि जो तस्करी इन्होंने पैदा किए, ये तस्करी का पैसा, शराब की तस्करी का पैसा भैया किसकी जेब में जाता है? नीतीश कुमार जी की जेब में। सोचिए साथियों, जो मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करता हो, जो मुख्यमंत्री अपराधियों का संरक्षण करता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? इसीलिए साथियों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि कैसे सात निश्चय की जांच करवाई जाएगी, कैसे शराब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, अंतिम अंतिम सांसों तक पापा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार की मत और आशीर्वाद निरंतर पापा मुझे देते हैं। और पापा ये कह कर गए थे कि शेर का बच्चा है जंगल चीख कर निकलेगा और जंगल चीख, और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ साथियों, जंगल को चीख कर विकसित बिहार आप लोगों को बनाकर दूंगा, ये वादा चिराग पासवान आज आप लोगों से करके जाता हूँ। बदले में साथियों